गोली चला है तो पता करता करता हम जंगल के पास चल गए तो जंगल के पास मतलब कि गोली लगा हुआ मतलब सौ पारा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार बेखौफ अपराधियों का कहर बिहार के विभिन्न जिलों पर बरपता ही जा रहा है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गई है। सवाल प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं, विधि व्यवस्था पर आरोप लगाए जा रहे हैं और लोग हैं कि सड़क से हटने को तैयार नहीं है। बताते चले कि बड़ी खबर नवादा से है, जहां एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है, जहां आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की जा रही है। पूरा मामला रविवार का है, जहां जिले के रूपो थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव के जंगल से एक युवक का शव पुलिस को बरामद हुआ, जहां उस मरने वाले युवक की पहचान रूपो थाना क्षेत्र के मनसागर गांव निवासी अरविंद साव के पुत्र सनी कुमार के रूप में हुई है। अब हम आपको सीधी तस्वीरें नवादा के दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है। लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके बाद लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क को जाम कर दिया गया है और स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। मेरा बेटा मालिक फूल सजाने काम करता था। हाँ, वो निकला शाम को कहाँ फूल सजाने के लिए, कहाँ रुपा बजे कब शाम को करीब 3:30 बजे का। इसके बाद वो वापस नहीं आया। हाँ, क्या सूचना मिला था? सुबह सूचना मिला उसको गोली मार करके हत्या कर दी। कुछ कारण पता चला? नहीं, कुछ कारण नहीं पता। क्या नाम था इनका? सन्नी कुमार। पिता? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाला था? मनसागर पर। हम लोग को फोन आया कि गोली चल रहा है। हाँ, तो उस सूचना का सत्यापन में हम लोग गए बराबर के साथ आगे, तो पता चला कि गोली चला है, तो पता करते करते हम जंगल के पास चल गए। तो जंगल के पास मतलब कि गोली लगा हुआ मतलब सौ पारा हुआ था। हाँ, सौ पारा हुआ तो वहीं का देखे। क्या लगता है सर? गोली से मारा है। कारण? कारण नहीं बता सकते हैं। कहाँ बरामद हुआ? सर एक खेत में बरामद है, जंगल है ना, जंगल के आरपार पड़ती में। जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और लोगों की बातों को सुना, बताया जा रहा है कि सनी शादी समारोह में मंडप सजाने गया हुआ था, जहां सुबह में सूचना मिली कि युवक को गोली मार दी गई है और उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कौवाकोल नवादा पथ को जाम कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया है। बताया जाता है कि युवक को 4 गोली मारी गई है, जिसके बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि हत्या का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। नवादा में बेलगाम अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने का यह मामला लोगों में काफी दहशत का माहौल छोड़ गया है। पहले से ही बेनीपुर इलाका काफी कुख्यात माना जाता है और आज फिर से बेनीपुर में ही गोली मारकर हत्या करने का यह मामला सामने आया है, जिससे लोग काफी भयभीत है। ये पूरा मामला बिहार के नवादा से है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। सनी शादी समारोह में मंडप सजाने पहुंचा था, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस को उसका शव जंगल से बरामद हुआ है। और दूसरी तरफ लोगों में काफी आक्रोश है, नारेबाजी की जा रही है, जहां पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई है, लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है और आश्वस्त कर रही है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जाएगी, छानबीन की जाएगी और बेखौफ अपराधी जो कि इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो निकले हैं, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।